दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक और विधायक पर केस दर्ज हुआ है। उत्तम नगर से विधायक नरेश बालियान के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज हुआ है। नरेश बालियान के खिलाफ हुए हेनरी जॉर्ज नाम के शख्स ने उत्तम नगर थाने में धारा 323, 341, 451 के तहत केस दर्ज करवाया है। हेनरी जॉर्ज ने नरेश बालियान और उनके साथी महावीर फौजी पर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया है। RWA अध्यक्ष हेनरी जॉर्ज का आरोप है कि दशहरे के कार्यक्रम में नहीं बुलाए जाने से नाराज नरेश बालियान और उनके साथियों ने मारपीट की। इस मामले में हेनरी जॉर्ज के खिलाफ भी केस दर्ज कराया गया है। हेनरी जॉर्ज का आरोप है, हेनरी जॉर्ज पर धारा 323 और धारा 341 के तहत केस दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, तो वहीं विधायक नरेश बालियान का कहना है कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उद्घाटन के दौरान मेरे को लोगों ने बताया कि कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं शराब पीकर जो लोगों के साथ जो हमारे उद्घाटन में शामिल हो रहे हैं उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो मैंने कहा इसको कोई बात नहीं, खत्म कीजिए। उसके बाद जब वहां उद्घाटन के बाद मैं वहां से निकलने के बाद मेरे को पता चला कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने कुछ मारपीट की है, तो उसके बाद क्रॉस केस दोनों तरफ से हुआ। अब उसमें मेरे को नहीं पता कि मेरा नाम कहां से आ गया, क्योंकि मैं तो उस समय मौके पे था ही नहीं जिस टाइम झगड़ा हुआ। नहीं, कुछ नहीं, कोई RWA का मेंबर नहीं है, वो RWA रजिस्टर्ड RWA है, RWA का मेंबर नहीं है ये। सिर्फ अब पहले बीजेपी पीछे लगी हुई थी, अब कांग्रेस भी पीछे लगी हुई है, और कांग्रेस का कार्यकर्ता है और वहां शराब पी के कोई लोगों के साथ बदतमीजी कर रहा था। मेरे निकलने के बाद ये सारा एपिसोड हुआ है। तो नहीं, इसमें कोई 100% पॉलिटिकल मामला है। पॉलिटिकल मामला भी ऐसा है कि अगर मान लीजिए आज का टाइम तो ऐसा होगा, अगर आम आदमी पार्टी के किसी भी व्यक्ति का कोई नाम ले दे और तो पुलिस एक मिनट भी नहीं लगाती मुकदमा दर्ज करने में। तो अभी आपने सुना कि सफाई भी किस तरीके से दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि नहीं, मेरे सामने तो कुछ हुआ ही नहीं, दरअसल राजनीतिक साजिश करार इसे दिया जा रहा है। भले ही कुछ भी किया जाए लेकिन उसको सीधा सीधा राजनीति से जोड़ दिया जाता है। केस दर्ज हो चुका है लेकिन सफाई जिस तरीके से आई है नरेश बालियान की, वो साफ तौर पर बता रही है कि उन्हें लगता नहीं है कि कुछ भी गलत किया गया है या उन्होंने ऐसा कुछ किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, विवादों में हमेशा ही रहे हैं नरेश बालियान। तो उत्तम नगर से विधायक है नरेश बालियान, शख्स के खिलाफ मारपीट का केस उन पर दर्ज हुआ है, लेकिन इन तमाम आरोपों से इनकार कर रहे हैं नरेश बालियान। तो विवादों से पुराना नाता रहा है नरेश बालियान का। चुनाव के दौरान नरेश बालियान पर वोटर्स को शराब बांटने का आरोप लगा था। पिछले दिनों प्याज की किल्लत होने पर भी सोशल मीडिया में आरोप लगा था। उन्होंने सरकार से 26 रुपए प्रति किलो में प्याज खरीद कर 30 रुपए प्रति किलो बेचा है। और जब एक बार फिर से अब एक मामला सामने आया तो खुद को पाक साफ बताने की कोशिशें की जा रही हैं नरेश बालियान की ओर से। और फिलहाल अब इंतजार होगा आम आदमी पार्टी का इस पर क्या रिएक्शन आता है। नरेश बालियान तो मान ही नहीं रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत किया है। देखते हैं अब इस पर क्या स्टैंड लिया जाता है।